अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेकर पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक, यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लाखों रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका चौधरी कोचिंग क्लासेस ने पेश किया है। ये स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस एग्जाम साल 2023 के एसएससी बोर्ड में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें नीट एग्जाम देना है। इसमें हिस्सा लेने के फायदे ये हैं कि अगर आप 80 से ज्यादा परसेंटेज से फर्स्ट और सेकंड रैंक पर आते हो तो आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी के साथ थर्ड और फोर्थ रैंक पर 60,000, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक पर 40,000, सेवेंथ और एट्थ रैंक पर 30,000 और नाइन्थ और टेंथ रैंक पर 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। संडे 12 फरवरी 2023 को चौधरी कोचिंग क्लासेस में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट होगा। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं और इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करें। भिवंडी में चाविंद्रा रोड पर बागी यूसुफ के पास कल यानी 5 फरवरी 2023 को एक पीजी मार्ट की ओपनिंग रखी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 5,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर 7% से 50% तक ऑफ रखा गया है। इस पीजी मार्ट में हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पीजी मार्ट ने भिवंडीकर से एक बार जरूर विजिट करने की अपील की है। भिवंडी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये वीडियो हमें हमारे एक फॉलोअर द्वारा भेजी गई है और बताया गया कि ये वीडियो भाजी मार्केट के पास का है, जहां लोग कचरा फेंका करते हैं। वहां आज आग लग गई, जिसके लिए फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई थी। भिवंडी शहर में ट्रैफिक का मसला सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है और रोजाना ट्रैफिक की वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी मेट्रो होटल के सामने 2 घंटे तक भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा और इस रास्ते को पार करने में लोगों को आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जामिया में हुई हिंसा के आरोप में लगभग 2 साल से जेल में रहने वाले शर्जील इमाम, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, छात्र नेता आसिफ इकबाल तन्हा और शफूरा जरगर को 2 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। जज ने कहा कि पुलिस असल अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही, इसलिए इन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। विरार के कोपरी गांव में पति ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। विरार पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और पत्नी की हत्या में आरोपी पति के साथ उसका दोस्त भी शामिल था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। भिवंडी शहर के 2 अलग अलग इलाकों में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ शांति नगर और भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पहली घटना नायगांव के रावजी नगर स्थित एक घर की है, जिसे इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसी तरह गौरीपाड़ा में भी एक गैर कानूनी तौर पर बनने वाली इमारत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चेंबूर में एक शख्स ने एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी, क्योंकि युवक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। बताया जा रहा है कि बदले की भावना को लेकर आरोपी ने रात के वक्त सड़क पर जा रहे युवक की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी के साथ हत्या में मदद करने वाले उसके दोस्त को भी हिरासत में ले लिया है। पिछले कई सालों से उल्हासनगर खतरनाक इमारतों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ खस्ता इमारतों की छत गिरने से कई लोग बेघर भी हो चुके हैं, जिसके चलते म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से फंड की मांग की है और एसडीआरएफ के तहत 12 मंजिला बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है, जिससे इमारतों के गिरने की वजह से बेघर हुए लोगों को घर दिया जा सकेगा। आज भिवंडी के दरगाह रोड पर जाहिद अंसारी रोड की समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी के हाथों से ओपनिंग की गई।
स्थानिकों ने अबू आसिम आजमी का धूमधाम से स्वागत किया। इस मौके पर जाहिद अंसारी के बेटे फैसल अंसारी और अफजल अंसारी भी मौजूद थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई चेहरे भी नजर आए। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।